सेल आ रही है, सबको पता है भाई, कल रात से सेल स्टार्ट हो जाएगी Amazon Flipkart प्लस एंड प्राइम मेंबर्स के लिए, एंड काफी सारे डील रिवील हो चुके हैं, काफी सारी रिवील होना बाकी है। बट अगर आपका बजट 1000 से 1500 रुपए है, कौन से फोन आपको लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए, तो उस पर इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो अगर अंटिल एंड देखेंगे ना, तो मैं बेस्ट ईयरबड्स इन ऑल एस्पेक्ट आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा भाई कौन से ईयरबड्स आप लें जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दे विद इन अ बजट। थोड़ा बहुत बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, 1000 वाले 1200 से 1300 ले सकते हैं, शेयर में तो ये चलता ही। बट अगर आपको बेस्ट डील मिस नहीं करनी, मेरे को फॉलो कर लो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड वीडियो से अगर वैल्यू मिल रही है, लाइक कर दो, लाइक टारगेट 2000 है, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो ये कुछ ये फोन से जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, मैंने परचेज किए हैं खुद से, एक एक करके सारे ईयरबड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड मैंने जो नंबर दिया इनको एज पर देयर साउंड क्वालिटी यहाँ पे मार्किंग दिया। सो नंबर 5 पर रखे हैं मैंने बोल्ट ऑडियो के Z40 प्रो, जो कि एक रीसेंट लॉन्च ईयरबड्स हैं, जहाँ पे आपको मिल जाता है रबरी टेक्सचर, एक प्रीमियम लुक है, डिजाइन है, आपको काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिलता है। तो इन केस आप रनिंग जॉगिंग के लिए ईयरबड्स यूज करते हैं, सो ये ईयरबड्स आपके ईयर में काफी अच्छी तरह से फिट भी होते हैं एंड आप इनको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। IPX5 रेटेड है, हल्का फुल्का स्वेट या वाटर स्प्लैश को इश्यू नहीं क्रिएट करेगा इन ईयरबड्स के लिए। USP या हाइलाइटिंग पॉइंट इन ईयरबड्स का है इसकी 100 आवर्स का बैटरी बैकअप, 45 ms की लो लेटेंसी एंड क्वाड माइक्रोफोन सेटअप फॉर आउटडोर कॉलिंग परफॉर्मेंस, विच मीन आउटडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस इज क्वाइट इंप्रेसिव। आप इनको यूज कर सकते हैं बाहर बात करने में। म्यूजिक एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, जो बेस लवर उनके लिए तो काफी अच्छे हैं, बट जिनको बेस के साथ सेम लेवल पे क्लैरिटी चाहिए, तो वो लोग थोड़े से रुक जाइए इन ईयरबड्स के लिए, ये आप लोग के लिए नहीं है, क्लैरिटी लेवल इज नॉट दैट ग्रेट। बाकी यहाँ पे मिलता है आपको 5.3 की कनेक्टिविटी एंड 10 mm के साउंड ड्राइवर्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज बोट एयरडॉप्स 141 ANC, एंड हालांकि ये भी प्राइस आपको 1599 दिख रहा होगा ड्यूरिंग सेल, ये आपको 1500 से नीचे देखने मिलेंगे। प्रोडक्ट का USP भाई इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो कि 32 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको प्रोवाइड करता है, एक बजट ओरिएंटेड ईयरबड्स है, एक अच्छा पॉइंट है यार। साथ साथ 2 इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिल जाएंगे। नॉट ओनली दैट, क्वाड माइक्रोफोन सेटअप है, 50 ms की लो लेटेंसी है, IPX5 रेटेड है, 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ 10 mm के साउंड ड्राइवर्स ये आपके लिए कंटेन करते हैं। ओवरऑल गाइस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, एक सुपीरियर काइंड ऑफ ईयरबड्स आपको डेफिनेटली फील होने वाले हैं। साउंड क्वालिटी के लिहाज से मैंने इसको रेट नंबर 4 इसलिए किया भाई, इवन दो 2 इक्वलाइजर मोड है, बट स्टिल आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद बोट सिग्नेचर साउंड जो पहले होता था ईयरबड्स, बोट की काफी अच्छे सॉलिड साउंड के साथ आते थे, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिसिंग आपको मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है, लाइक ये कहीं ना कहीं नंबर 1 पे रैंक कर सकता था, बट बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट यूजर्स या वी आर नॉट ओपन टू न्यू ब्रांड्स, तो इसकी वजह से मैंने इसको नंबर 3 दिया। बाकी ईयरबड्स दमदार है, आप इनको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ये है ओरिमियो के फ्री पोर्ट्स 4, नाम सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, अंडररेटेड ईयरबड्स है। कुछ की फीचर बताता हूँ, मेन जो प्रोडक्ट की हाईलाइट है, 30 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाती है, एफ पोर्ट है जहाँ पे 5 साउंड इक्वलाइजर मोड आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्ट आपको लाइक स्टार्टिंग से जब आप अनबॉक्स करेंगे तभी से एक प्रीमियम फीलिंग देने वाला है। गूगल की फास्ट पेयरिंग आपको मिल जाती है एंड 2 साल की भाई मैन्युफैक्चर वारंटी आपको प्रोवाइड करता है। ये तो काफी एडवांस एंड इसके बड़े वाले फीचर थे, बट नॉर्मली आपको 5.2 मिल जाएगा, 35.5 hours का बैटरी बैकअप है एंड कैजुअल गेमिंग के लिए आपको लेटेंसी मिल जाएगी ठीक ठाक। तो ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी भाई काफी सॉलिड है, यहाँ पे बेस भी काफी सॉलिड मिलता है, साथ साथ क्लैरिटी भी मिलती है। तो अगर आप मोर ऑन इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यू देखते हैं भाई, आपको मूवीज के डायलॉग सुनना पसंद है या फिर आपको क्लासेस अटेंड करने पड़े हैं, देन दिस इज परफेक्ट ईयरबड्स फॉर यू। सेल में आपको 1300 रुपए के अराउंड मिल जाएंगे, हालांकि प्राइस अभी थोड़ा सा ज्यादा 1400 रुपीज है, डिस्काउंट वगैरह यूज करेंगे तो बेटर डील आपको मिल सकती है। सो ये ईयरफोन्स मस्ट हैव ईयरफोन्स है भाई, डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ऑडियो से लेके इसका माइक्रोफोन, गेमिंग या फिर फीचर्स, एवरीथिंग इज प्रीटी नाइस। मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीज, या रियलमी के टेक लाइफ T100। एंड ये ईयरफोन्स यार आपको 1500 रुपए की जो लिस्ट है सारे की सारी लिस्ट में देखने मिल जाएंगे। तो ईयरबड्स के जो मेन चीजें हैं उसको डिस्कस करने पहले बेल्ट देखते हैं। कॉम्पैक्ट ईयरबड्स हैं जो कि आपको सेफ साइज के अकॉर्डिंग काफी अच्छे मिलते हैं, ये फिटिंग काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर यहाँ पे मिलता है आपको। मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स में गूगल की फास्ट पेयरिंग, लीड ओपन करते आपका फोन से प्रोडक्ट कनेक्ट हो जाएगा।
उसके साथ भाई एप्लीकेशन सपोर्ट है, तो रियलमी टेक लाइफ में एक एडवांटेज आपको मिलती है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपके लिए ओपन है यहाँ पे। 10mm के साउंड ड्राइवर्स होने के बावजूद जो ऑडियो आउटपुट है, म्यूजिक प्रोसेसिंग है, इज वे बेटर देन एनी अदर ईयरबड्स। साउंड क्लैरिटी अच्छी है, बेस अच्छा है, ओवरऑल जो वोकल्स है इट्स रियली गुड। उसके अलावा यहाँ पे मिलती है 88ms की लो लेटेंसी, IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल जाता है। इंडोर एंड आउटडोर कॉलिंग के लिए दिस इज ओके बिकॉज यार डुअल माइक्रोफोन सेटअप है, अनलाइक बोट यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन नहीं मिलता, डुअल माइक्रोफोन है विद 5.3। सो ऑडियो अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, एंड लाइक एवरीथिंग इज गुड इन दिस ईयरबड्स। बट स्टिल आपको भाई एक बेस्ट ईयरबड्स चाहिए, देन यू कैन गो विद ओप्पो एनको बर्ड्स 2। ये ईयरबड्स मैं काफी बार रिव्यू कर चुका हूँ, परचेज कर चुका हूँ, एंड ये ईयरफोन्स यार काफी सॉलिड है। अगर 1500 रुपये से नीचे मिलते, पहले भी सेल में 1300 रुपये के अराउंड आए हैं एंड अभी भी आपको 1300 रुपये के अराउंड मिलते हैं। मेन हाइलाइटिंग पॉइंट अबाउट दीज ईयरबड्स यार बिल्ट क्वालिटी सुपीरियर, एप्लीकेशन सपोर्ट आपको मिलता है, 80ms की लो लेटेंसी है, 28 आवर का बैटरी बैकअप है, 5.2 मिलता है हालांकि कनेक्टिविटी के लिए, 10mm के साउंड ड्राइवर्स के साथ IPX4 रेटेड है। बट मेन जो चीज है वो है इनकी साउंड क्वालिटी। सो यार एज यू नो ओप्पो रियलमी वन प्लस एंड सैमसंग इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं इंक्लूडिंग JBL या जेब्रा प्रीमियम ब्रांड्स, ओके साउंड क्वालिटी के लिहाज से ये वे बेटर है कंपेयर टू नॉइस बोट एंड बोल्ट जैसी कंपनी, वहां से आपको साउंड क्वालिटी काफी इंप्रूव मिलता है। साथ साथ एप्लीकेशन का सपोर्ट एक और एडवांटेज यहाँ पे क्रिएट करता है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बेस बूस्ट यूज कर सकते हैं, क्लैरिटी को एनहेंस कर सकते हैं यूजिंग दीज कस्टमाइजेशन ऑप्शन। तो ये चीजें इन ईयरबड्स को काफी प्रीमियम बनाते हैं भाई, तो आप ओप्पो एनको 2 ले सकते हैं पसंद है तो। एल्स गाइस अगर आपको एक ऑलराउंडर ईयरबड्स चाहिए, आई विल रिकमेंड ओरिमियो फ्रीपॉड्स 4। एल्स यार ANC चाहिए तो आप ओरिमियो भी ले सकते हैं, बोट भी ले सकते हैं। तो 5 बेस्ट ईयरबड्स बताए, इनसे बेस्ट शायद ही कोई ईयरबड आपको मिलेगा अंडर दिस बजट। सो आप मेरे को बताइए भाई कौन सा ईयरबड्स आपका बेस्ट था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।